आपने कई बार ही देखा होगा कि ये गटर नाले ये सीवर को लोग हाथों से साफ करते हैं, लेकिन आपको पता है साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया था और साथ ही सभी राज्यों को ये करने के निर्देश दिए थे कि वो अपने अपने राज्य में हाथ से मैला साफ करने की ये प्रथा को समाप्त कर दे। फिर 2019 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 200 सीवर सफाई मशीनों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाई। राजधानी में हाथ से मैला ढोने की ये जो प्रथा है समाप्त करते हुए एक परियोजना चलाई कि ताकि ये हाथ से मैला जो धोते हैं, हाथ से जो सफाई करते हैं, वो ना हो। फिर दिल्ली में सरकार द्वारा दावा भी किया गया कि अब तक दिल्ली में एक भी ऐसी जगह नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हाथ से गटर नाले या सीवर साफ करता हो। लेकिन आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के दावा करने के बाद भी आज भी दिल्ली में ये हाथ से मैला ढोने की प्रथा यानी हाथ से गटर नाले साफ करने की प्रथा अभी भी है। दिल्ली में पिछले 5 सालों में हाथ से मैला ढोने के करीब 46 लोगों की मौत हो गई है। ताजा मामला रोहित कुमार का है। बीते 9 सितंबर को बाहरी दिल्ली में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस के कारण रोहित की मौत हो गई और उनकी अकेले नहीं उनके कई साथियों की भी इस दौरान मौत हो गई, क्योंकि वो सीवर में उतरे, सीवर में जहरीली गैस के कारण उनका दम घुटा और वहीं की वहीं वो बेहोश हो गए और निकाला तो वो उनकी मौत हो चुकी थी। 3 साल पहले अरविंद केजरीवाल सरकार ने सीवेज की सफाई के काम का जिम्मा अपने हाथों में लेते हुए 200 मशीनें खरीदी थी। इन्हीं मशीनों के दम पर केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में हाथ से सफाई नहीं होती, लेकिन सफाई तो आज भी जा रही है, लोगों की जान तो अभी भी जा रही है, तो मशीनें कहाँ गई। मेरी जानकारी के अनुसार जो लोग ये काम करते हैं उनका कहना है कि मशीनों से सिर्फ 5-10% ही काम हो पाता है, हाथ का इस्तेमाल तो आज भी होता है। अभी बात करें कि जो लोग हाथ से सफाई करते हैं, गटर में उतरते हैं, सीवर में उतरते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या काम है। तो सभी सफाई कर्मियों को सेफ्टी टैंक, सीवर लाइनों में उतरने और सफाई करने के लिए हेलमेट, सुरक्षा जैकेट, दस्ताने, मास्क और गन बूट प्रदान, बहुत सारी चीजें दी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए जो लोग सफाई करते हैं, तो उनका कहना है कि जब भी हम गटर या सीवर में उतरते हैं सफाई करने के लिए, तो सिर्फ हम अंडरवियर पहने होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और सुरक्षा की बात की जाए तो एक तरफ तो दावा किया जाता है कि दिल्ली में हाथ से धोने की प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन जब उतरते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। दिल्ली में 2017 से अब तक सीवर और सेफ्टिक टैंक की सफाई के दौरान लगभग 42 मौतें दर्ज हो चुकी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बाद देश में इस तरह की मौतों के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। 1997 में अप्रैल 2022 तक दिल्ली में लगभग 97 लोगों की गटर में उतरने की वजह से मौत हो गई। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।